कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। ये हमारा छठा एपिसोड है और इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं थ्री फेस एचवीएसी वायरिंग डायग्राम की। आप लोग सोच रहे होंगे डायरेक्ट मैं थ्री फेस एचवीएसी की वायरिंग डायग्राम पे क्यों आ गया। इससे पहले तो मैं मैकेनिकल के बारे में बात कर रहा था, डायरेक्ट अभी थ्री फेस एचवीएसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो थ्री फेस एचवीएसी वायरिंग के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि एक टेक्नीशियन ने बोला है, वो कल से बोल रहे हैं कि इस पे वीडियो बनाइए या फिर इसके बारे में हमको बताइए, क्योंकि मेरे पास पीडीएफ नहीं था, नहीं तो मैं उनको डायरेक्ट भेज देता, शायद वो समझ भी जाते। ठीक है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इससे इसके बाद से मैं शुरू से शुरू करूंगा इलेक्ट्रिकल का, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये भी अगर आप देखेंगे, अगर आप थोड़ा भी एसी का काम करते हैं तो आपको चीजें जो है समझ में आने लगेगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से वायरिंग डायग्राम बनाया हुआ है। इसको देख के बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है और कैसे समझना है। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ पार्ट्स बनाया हुआ है। यहाँ पे जो बड़ा सा पार्ट्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये इसका नाम है ईसीबी। ईसीबी यानी इलेक्ट्रिक कंट्रोल बोर्ड, ओके, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल बोर्ड आप बोल सकते हैं। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टीएच, टीएच मीन्स थर्मोस्टेट, ओके। यहाँ पे मैंने और कुछ पार्ट्स बनाए हुए, जैसे यहाँ पे ट्रांसफार्मर बनाया हुआ है, यहाँ पे हमने बहुत सारे कॉन्टेक्टर बनाया हुआ है। कहाँ और किस कैसे यूज करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहे, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल बोर्ड से, क्योंकि यही एक मेन पार्ट है। विदाउट इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल बोर्ड भी हम ये वायरिंग बना सकते हैं, थोड़ा और सिंपल कर सकते हैं, लेकिन मैं इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल बोर्ड की मदद से बना रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ जाए। ओके, समझ जाइए कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल बोर्ड है, कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे आपको देख पाएंगे एल और एन लिखा हुआ है, ये मेन पॉइंट है। यहाँ पे आपको 220 का फेस जो है, फेस और न्यूट्रॉन जो है इनपुट होता है, यहाँ से इन होता है पीसीबी बोर्ड को। उसके बाद से इसमें ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसका प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज इसमें जो है इसी बोर्ड से कनेक्ट रहता है। ट्रांसफार्मर में इसलिए लगा रहता है क्योंकि पीसीबी बोर्ड में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं और इस कंपोनेंट्स को कितना पावर चाहिए होता है, वो ट्रांसफार्मर से जो है पावर जो है स्टेप डाउन होके उसके बाद से अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग अलग वोल्टेज में पावर सप्लाई भेजता है। ओके, तो हम यहाँ पे इसका जो मेन पॉइंट है उस पर बात करेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर में समझ में आए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आर सी जी Y1, Y2 और W, ये कुछ हमने नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने वर्ड कुछ लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे R और C, यहाँ पे आप देख पा रहे 24 वोल्टेज कॉमन, 24 वोल्टेज R और C को हमको कहाँ से मिलता है, थर्मोस्टेट से मिलता है। थर्मोस्टेट को हमने R और C यानी कि 24 वोल्टेज हमने किससे दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर से थर्मोस्टेट को 24 वोल्टेज दिया हुआ है। ये 24 वोल्टेज हमारा पीसीबी कार्ड में एंटर होता है, पीसीबी कार्ड में अंदर जाता है। ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद से हमने यहाँ पे बनाया हुआ है G Y1 Y2 और W, इसको इसमें जो है आपको थर्मोस्टेट से सिंपल सा एक कम्युनिकेशन वायर लेना है और जैसे जैसे जो नंबर लिखा है उसी तरीके से इसको कनेक्ट कर देना है। ठीक है, और G किस पर्पज के लिए होता है, Y किस पर्पज के लिए होता है और Y2 और W किस पर्पज के लिए होता है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। G यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फॉर इन फैन एंड फॉर इंडोर फैन। इंडोर फैन के लिए जो कॉन्टेक्टर यूज होता है उसके लिए जो कमांड जाता है आपका जी से जाता है। ठीक है, बहुत सारा जो है पीसीबी बोर्ड में भी जो है यहाँ पे रहता है, जो कि अलग अलग, जैसे यहाँ से अगर पावर सप्लाई जाएगा तो कॉन्टेक्टर को जाएगा तो 24 वोल्टेज जाएगा। ठीक है, अगर पीसीबी कार्ड से जाएगा तो उसको 220 वोल्टेज जाएगा। इसीलिए जो है बहुत से में आपको जो है थर्मोस्टेट से डायरेक्ट जाता है पावर सप्लाई कॉन्टेक्टर को, और किसी किसी में आपको पीसीबी बोर्ड से जाता है। ठीक है, तो जो भी कम्युनिकेशन का वायर है आपको सिंपली इसी एज इट इज कनेक्ट कर देना है। जो नंबर यहाँ पे थर्मोस्टेट में मिलेगा वही नंबर आपको पीसीबी बोर्ड में मिल जाएगा। ठीक है, Y1 जो है आपको स्टेज 1 कूलिंग के लिए यूज होता है, स्टेज 2 कूलिंग के लिए Y2 यूज होता है। अगर दो कंप्रेसर यूज करना है, उसमें दो कंप्रेसर लगा हुआ है आपके जो है सिस्टम में, तो Y1 और Y2 का कमांड जाएगा तभी जाके जो है अगला कंप्रेसर स्टार्ट होगा। कैसे काम करेगा वो मैं आपको आगे बात करता हूँ इस वीडियो में। ठीक है, थोड़ा जल्दी कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी समझाने के लिए। और ये W है, W जो है हीटर के लिए, अगर आपके सिस्टम में हीटर लगा हुआ है, हीटर का कॉन्टेक्टर लगा हुआ है, तो उसको यूज करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे जो है W का पॉइंट बना हुआ है। ठीक है,
अगर दो हीटर का कॉन्टेक्टर लगा हुआ है तो W1 और W2 रहेगा, ठीक है, जो जो कि मैंने बनाया हुआ नहीं है, नॉर्मली थर्मोस्टेट और पीसीबी बोर्ड में होता है, ठीक है, लेकिन मैंने नहीं बनाया हुआ, एक ही बना दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए और टाइम भी बचे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे देख पाएंगे, ये एसपी का एक सर्किट बना हुआ है, ये SP2 का एक सर्किट बना है। आप सोच रहे होंगे कि दो दो एसपी का सर्किट क्यों बना हुआ है, दो दो का एसपी का सर्किट इसलिए बना हुआ है क्योंकि दो जो है यहाँ पे दो कंप्रेसर यूज कर रहे हैं हम, एक एक सर्किट से दो कंप्रेसर को ऑपरेट कर रहे हैं, इसीलिए हमने जो है दो दो जो एसपी का पॉइंट हमने यूज किया हुआ है। इसमें पूरा जो सर्किट बना हुआ है, इसका भी पूरा सर्किट बना हुआ है, कैसे काम करते हैं हम आगे बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब थर्मोस्टेट जो है ऑन होता है, जब भी थर्मोस्टेट ऑन होगा, जो भी टेम्परेचर सेट किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 22 टेम्परेचर सेट किया हुआ, अगर 22 से ऊपर जो है टेम्परेचर जाता है तो हमारा थर्मोस्टेट एक्टिव हो जाएगा, और हमारा थर्मोस्टेट सबसे पहले क्या करेगा, स्टेज वन को कूलिंग को कमांड देगा, यानी कि Y1 को कमांड देगा। उससे पहले आपको जी पे कमांड जाएगा, जी मतलब इन फैन, इंडोर फैन। इंडोर फैन मतलब अगर आपका थर्मोस्टेट ऑटो मोड में है तो वो कंप्रेसर के साथ स्टार्ट होगा, और आपका फैन रन मोड में है या फिर हैंड मोड में है तो आपका, या ऑन मोड में है तो आपका जो है थर्मोस्टेट से जी से कमांड कंटिन्यूसली जो है आपके पीसीबी कार्ड को जाएगा, ताकि आपका जो है इंडोर फैन का जो कॉन्टेक्टर है एक्टिवेट हो सके, ऑन हो सके, ठीक है, उसको लिए कमांड जाता है जी से। अगर फॉर एग्जाम्पल 22 टेम्परेचर आपने सेट किया हुआ है, अगर 22 टेम्परेचर से जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, 23 24 टेम्परेचर होता है, तो आपका स्टेज वन का कूलिंग का जो Y1 है, Y1 से कमांड आएगा थर्मोस्टेट से, जो कि पीसीबी बोर्ड तक इसका कमांड यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आने के बाद कब हमारा कंप्रेसर 1 जो है, कंप्रेसर 1 का कॉन्टेक्टर एक्टिवेट होगा, ये बात आपको एकदम ध्यान से सुनना है कि कब हमारा, जब यहाँ पे हमारा कमांड आएगा तो कब जाके C1 से कमांड आउट होगा और कब जाके हमारा कॉन्टेक्टर एक्टिवेट होगा, ये बात आपको एकदम ध्यान से सुनना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे Y1 को थर्मोस्टेट से कमांड आ गया, जैसे कमांड आ गया कि पीसीबी बोर्ड जो है आप जो है कॉन्टेक्टर 1 यानी कंप्रेसर 1 का जो कॉन्टेक्टर है उसको स्टार्ट कर दें, लेकिन उसके लिए इसमें और भी सेफ्टी डिवाइस लगी हुई है, उसको ठीक होना, सही होना और सही से काम करना एकदम जरूरी है, इसीलिए जो है बहुत सारी सेफ्टी डिवाइस लगी है, उसके बाद ही जाके सब ठीक रहेगा, तब जाके हमारा कॉन्टेक्टर स्टार्ट होगा। वो कैसे काम करेगा, चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं SP1, यहाँ पे SP1, ये दो पॉइंट है पीसीबी कार्ड में लगे हुए। SP1 में आपको देख पाएंगे यहां से एक वायर निकला है, उसके अंदर यहाँ पे ओवरलोड हमने लगाया हुआ है, ओवरलोड में उसके बाद से यहाँ से पावर आउट हुआ है, हमने SSPS लगाया हुआ है। SSPS मतलब सॉलिड स्टेट प्रोटेक्शन सिस्टम होता है, जो कि एक सेफ्टी डिवाइस है, और उसके बाद से OPS लगा हुआ है, OPS मतलब ऑयल प्रेशर स्विच, जो कि ये भी एक सेफ्टी डिवाइस है, और SPS का मतलब आप समझते ही हैं, हाई प्रेशर स्विच। जब यहां से हमारा पावर आउट होगा, जब यहां से हमारा पावर आउट होगा SP1 से, SP1 से पावर आउट होगा, तो हमारा जब 20 और 21 ओवरलोड हमारा ठीक रहेगा, जब हमारा ओवरलोड ठीक होगा तो हमारा 20 वाला जो पावर है 21 तक चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद से ओवरलोड ठीक है तो यहाँ से पावर हमारा यहाँ पे आएगा, यहाँ से अगर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने कंटिन्यूटी टेस्टर लगा लिया है, यहाँ से जब हमारा पावर आउट होगा तो 21 तक जाएगा, 21 का पावर जब इन होगा तो हमारा SSPS होके 22 पे जाएगा, अगर SSPS हमारा सही से काम कर रहा है तो, ठीक है। तो जब हमारा 22 का जो पावर पावर सप्लाई है जब 23 पे आएगा, इसका मतलब है हमारा OPS जो है काम कर रहा है। जब OPS काम कर रहा है, उसके बाद से हमको चेक करना है हमारा SPS काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके बाद से हमारा SPS काम कर रहा है या नहीं करना है, ये सब कुछ कैसे पता चलेगा, जैसे कि एक स्विच की तरह ये सारा काम करेगा। यहां से हमारा पावर सप्लाई 21 को जाएगा, 21 से पावर सप्लाई 22 को जाएगा, और 22 से पावर सप्लाई हमारा 23 को जाएगा, 23 से पावर सप्लाई हमारा यहाँ पे 24 पे आएगा। ये हम कैसे पता करेंगे कि हमारा ओवरलोड और SSPS और OPS और SPS ये हमारा सब कुछ ठीक है और सही तरीके से काम कर रहा है, कैसे पता करेंगे, जब हमारा एक कंटिन्यूटी टेस्टर लेंगे, या फिर क्लैंप मीटर लेंगे, या फिर मल्टीमीटर लेंगे, कुछ भी लेंगे जिसमें कंटिन्यूटी मोड हो, कंटिन्यूटी मोड में चेक करेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे हमको रखना है बजर मोड पे डाल के, और एक पॉइंट यहाँ पे 20 और 24 को चेक करेंगे, तो हमारा यहाँ पे बजर जो है बजना चाहिए, बजर बजेगा, इसका मतलब ये हमारा पूरा सर्किट कंप्लीट है, ठीक है।
हमारा पूरा जो है सेफ्टी डिवाइस जो है काम कर रहा है, तभी जाके SP1 ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जब ये सर्किट कंप्लीट होगा तो पहला सर्किट की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद से यहाँ पे देख पाएंगे एलपी 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 का दो पॉइंट हमने बनाया हुआ है। यहाँ पे LPS स्विच लगा हुआ है जो 30 नंबर के पॉइंट से आउट हो रहा है पावर, यहाँ से LP से होके यहाँ पे आपको LP1 पे वापस से आ जा रहा है। ठीक है, ये दोनों जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ये दोनों सर्किट कंप्लीट होने के बाद जो है हमारे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे P1 और P2 मतलब सोलनॉइड 1 और सोलनॉइड 2। आपके सिस्टम में अगर सोलनॉइड लगा हुआ है तो यहाँ से आपको कनेक्शन देना है, अगर आपके सिस्टम में सोलनॉइड नहीं लगा हुआ है तो इसको फॉरगेट कर देना है, भूल जाना है। जब ये हमारा LPS हमारा काम करेगा और ये सारी सेफ्टी डिवाइस हमारी काम करेगी, तब जाके हमारा कंप्रेसर 1 से हमारा कमांड आउट होगा और यहाँ से कमांड आउट होकर हमारे कॉन्टेक्टर के A1 पे जाएगा। जब कॉन्टेक्टर के A1 पे जाएगा तो हमारा A2 पर न्यूट्रल डायरेक्ट मिल रहा है यहाँ पे, यहाँ से देख पाएंगे न्यूट्रल यहाँ से जा रहा है, यहाँ से A2 पे डायरेक्ट मिल रहा है। उसके बाद से हमारा कॉन्टेक्टर एनर्जाइज हो जाएगा, कॉन्टेक्टर एक्टिवेट हो जाएगा, उस कंडीशन में हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होता है। ये होता है ऑटोमेटिक प्रोसीजर। फॉर एग्जाम्पल एक भी हमारा सेफ्टी डिवाइस काम नहीं कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमारा ओवरलोड जो है काम नहीं कर रहा है, तो हमारा जो 20 नंबर का पावर सप्लाई है, जब हम 20 और 21 के बीच में कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो हमारा कंटिन्यूटी शो नहीं होगा। जब कंटिन्यूटी शो नहीं होगा इसका मतलब जो है हमारा जो है ओवरलोड हमारा काम नहीं कर रहा है। इसी तरीके से अलग अलग, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा HP स्विच हमारा काम नहीं कर रहा तो हमको कैसे पता करना होगा, एक एक कंटिन्यूटी का जो वायर है हम 20 नंबर पे रखेंगे और दूसरा कंटिन्यूटी का वायर जो है हम 24 नंबर पे रखेंगे। तो अगर हमारा कंटिन्यूटी यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारा HP स्विच काम नहीं कर रहा है। अगर सिर्फ HP स्विच का पूरा सर्किट हमारा जो है कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो अगर सिर्फ हमको HP स्विच का चेक करना है तो हम एक कंटिन्यूटी हमको 23 पे रखना होगा और एक कंटिन्यूटी का जो पॉइंट है 24 पे रखना होगा। अगर इस पे बीप बजर नहीं बज रहा है, बीप नहीं बज रहा है, तो इसका मतलब है हमारा HP स्विच जो है काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो है कंप्रेसर 1 को कमांड नहीं जा रहा है और कंप्रेसर 1 जो है का कॉन्टेक्टर जो है हमारा एक्टिवेट नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कंप्रेसर 1 का कॉन्टेक्टर में L1, L2 और L3 मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पे 460 वोल्टेज डायरेक्ट 460 वोल्टेज इन होता है और यहाँ पे T1, T2, T3 के नाम से आउट होता है, जो कि 460 वोल्टेज आउट होगा। अलग अलग वोल्टेज हो सकता है, जो भी वोल्टेज जो है उस सिस्टम में लगा हुआ है। यहाँ पे मैंने 460 का बनाया हुआ है तो इसलिए मैं 460 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद ही हमारा जो है कॉन्टेक्टर एक्टिवेट होता है और कॉन्टेक्टर एक्टिवेट होने के बाद कंप्रेसर स्टार्ट होता है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा, जब फॉर एग्जाम्पल आपके आपके जो है आपके आपके जो कंफर्ट जोन में जो जहां भी हमारा थर्मोस्टेट लगा हो और टेम्परेचर अचीव नहीं कर पाता हो, तो एक टाइम के बाद स्टेज 2 का कूलिंग को कमांड आता है Y2 के नाम से। Y2 के नाम से जब कमांड आया, यहाँ पे कमांड आया, उसके बाद से आपका ये पूरा सर्किट जो है कंप्लीट होने के बाद जो है LP2 भी कंप्लीट होने के बाद, उसके बाद ही जो है हमारा कंप्रेसर 2 को कमांड आता है। जब कंप्रेसर 2 के कॉन्टेक्टर के A1 पॉइंट पे कमांड आएगा तब जाके हमारा जो है कॉन्टेक्टर एनर्जाइज होगा और A2 पे, क्योंकि A2 पे कंटिन्यूसली कमांड जा रहा है, क्योंकि A2 जो है हमारा डायरेक्ट है न्यूट्रल। ठीक है ना, A2 डायरेक्ट न्यूट्रल है क्योंकि ये जो कॉन्टेक्टर का क्वाइल है, ये क्वाइल बोलते हैं 1A2 को, क्वाइल जो है हमारा 220 वोल्टेज का है। ठीक है, तो इसलिए न्यूट्रल हमको यहाँ से हमने डायरेक्ट दिया हुआ है और A1 का कमांड हमारा C2 यानी कंप्रेसर 2 से, जब कंप्रेसर कंप्रेसर 2 के कॉन्टेक्टर को आएगा तभी जाके हमारा कंप्रेसर 2 का कॉन्टेक्टर एनर्जाइज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों सर्किट जो है जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक हमारा दोनों कंप्रेसर कॉन्टेक्टर जो है स्टार्ट नहीं होगा। कुछ भी प्रॉब्लम होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका सिस्टम में गैस लीकेज हो गया तो आपका LPS, जैसे फॉर एग्जाम्पल कंप्रेसर 1 का गैस लीकेज हो गया, ठीक है, तो उसका LPS यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। LPS जब ब्रेक होगा तो जो तब 30 से जो पावर इन हो रहा है वो 31 तक नहीं आएगा। जब 31 तक नहीं आएगा तो ये आगे कमांड नहीं देगा, कंप्रेसर 1 के जो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ से कमांड नहीं आएगा। जब यहाँ पे कमांड नहीं आएगा तो आपका कंप्रेसर का कॉन्टेक्टर चलेगा ही नहीं। जब आपका कंप्रेसर का कॉन्टेक्टर स्टार्ट नहीं होगा तब आपको आगे चेक करना है कि हमारा कंप्रेसर 1 के कॉन्टेक्टर पे
कमांड क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, उसका सारा रीजन आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, अगर आप अच्छे से समझेंगे तो। अगर आपको आके सबसे पहले LPS 30 और 31 पे कितना है, एक ही सेफ्टी डिवाइस लगा हुआ है LPS, तो आके हम इसको सबसे पहले हम इसका कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। जब इसका कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है तो इसका मतलब समझ जाइए कि आपके सिस्टम में गैस लीकेज है। उसके वास्ते आप जो है आप प्रेशर गेज की मदद से भी गैस चेक कर सकते हैं कंफर्म करने के लिए कि सच में गैस लीकेज है, या फिर जो भी LPS का रेंज है यानी 25 प्लस माइनस 5 PSI का रेंज है, अगर R22 का फ्रियोन है तो उससे उससे कम आपका फ्रियोन जो है सिस्टम हो गया, इसके वजह से हमारा LPS कट ऑफ हो गया है और उसके वजह से हमारा कंप्रेसर ऑन को कमांड नहीं आ रहा है। इसी तरीके से अगर कंप्रेसर टू की बात कर लेते, कंप्रेसर टू में हमारा ऑयल प्रेशर स्विच कमांड नहीं दे रहा, ऑयल प्रेशर स्विच काम नहीं कर रहा है, चाहे ऑलवेज आपके सिस्टम में ऑयल कम है, ठीक है, तो हमारा ऑयल प्रेशर स्विच आगे कमांड नहीं देगा तो हमारा ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो हमारा कंप्रेसर टू को कमांड नहीं आएगा, और कंप्रेसर टू को कमांड नहीं आएगा तो हमारा कंप्रेसर टू जो है स्टार्ट नहीं होगा। और उससे और हम बात कर लेते हैं यहाँ पे OF1 और OF2, मैंने यहाँ पे दो यहाँ पे कॉन्टेक्टर बनाए हुए हैं OF1 और OF2। OF1 क्या है, आउटडोर फैन, मतलब एक कंप्रेसर के साथ एक फैन चलेगा, दूसरे कंप्रेसर के साथ दूसरा फैन चलेगा, इस तरीके से मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है इस PCB बोर्ड की या ECB बोर्ड की मदद से, ठीक है। तो जब भी ये दोनों को कमांड आएगा हमारा जो इजिली डायरेक्ट, क्योंकि बीच में कोई सेफ्टी डिवाइस नहीं लगा हुआ है, तो हमारा डायरेक्ट जो है कंडेंसर फैन जो है स्टार्ट हो जाएगा, यानी आउटडोर फैन जो है हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और हम एक पॉइंट पे बात करना भूल गए, इन फैन, यहाँ पे एक कॉन्ट्रेक्टर लगा हुआ है, क्योंकि मैं आपको मेन टॉपिक पे बात कर रहा था इसलिए मैं इन फैन की बात करना भूल ही गया। यहाँ पे जी का कमांड आएगा, अगर आपका कॉन्ट्रेक्टर 24 वोल्टेज का है तो आपको डायरेक्ट जी से पावर लेके A1 पे दे सकते हैं, लेकिन अगर आपका जो है कॉन्ट्रेक्टर 24 वोल्टेज कॉयल का है, 220 वोल्टेज कॉयल का है, तो आपको इन फैन, आपके ECB कार्ड में इन फैन लिखा होगा, इन फैन यहाँ से देख पा रहे होंगे रेड कलर का वायर आ रहा है यहाँ पे और ये A1 पे जा रहा है इन फैन के कॉन्ट्रेक्टर के A1 पे, और A2 पे हमारा ब्लैक कलर का है जो कि न्यूट्रल है। तो इस तरीके से हमारा इन फैन ये कैसे काम करता है, कैसे बंद और चालू होगा, जब भी हमारे थर्मोस्टेट से अगर ऑटो मोड में सेट करके रखे हुए अपने थर्मोस्टेट, तो हमारे कंप्रेसर के साथ ही बंद और चालू होगा। अगर ऑन मोड में रखे यानी हैंड मोड में, यानी कि मैनुअल मोड में रखे हुए, तो कंटिन्यूसली आपका जो है इनडोर फैन चलता रहेगा, कंटिन्यूसली जी से कमांड आता रहेगा और इन फैन से कमांड आता रहेगा, ठीक है। अगर आपका कंडेंसर फैन नहीं चलता है तो आपको आके चेक कर लेना है कि हमारा जी पे कमांड आ रहा है कि नहीं, जी वाले पॉइंट पे कमांड आया कि नहीं। यहाँ पे कमांड कैसे चेक करें, यहाँ पे 24 वोल्टेज आना चाहिए, सी और जी में अगर आप 24 वोल्टेज चेक करेंगे तो यहाँ पे 24 वोल्टेज आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब जी को कमांड नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे कमांड आ रहा है तो यहाँ पर भी कमांड आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जब कमांड आएगा तो आपका इन फैन का कॉन्ट्रेक्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है थ्री फेज की जो है वायरिंग डायग्राम है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, अगर आप अच्छे से देखेंगे, अगर आप अच्छे से वीडियो को समझे होंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। अगर ये वायरिंग समझ जाते हैं तो आपका ट्रबल शूटिंग भी बहुत ही इजी हो जाएगा। अगर आप बोलते हैं, अगर आप कमेंट करते हैं, तो मैं विदाउट जो है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल बोर्ड का सिर्फ थर्मोस्टेट और ये सेफ्टी डिवाइस यानी HPLP लगा के थर्मोस्टेट लगा के आपका जो है वायरिंग कैसे होती है या फिर कंप्रेसर को कैसे स्टार्ट किया जाता है ऑटोमेटिक मोड में रख के, वो सब मैं आपको बता सकता हूँ अगर आप कमेंट करते हैं तो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया। अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो सिंपली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप सवाल कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने का। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।